काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में। इसके पहले वाली दो वीडियोस में हमने आपको बिल वाइज एंट्री के अंतर्गत एडजस्टमेंट की तीन मेथड्स, न्यू रेफरेंस, एडवांस और अगेंस्ट रेफरेंस के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पर आधारित आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे। ध्यान रखें, ये 6 वीडियोस की सीरीज व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें अच्छे से समझने के लिए क्रम से ही देखें। आपको प्रैक्टिस करने में सुविधा हो इसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF भी दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स क्या हैं। इस रिपोर्ट से हमें एक ही जगह पर ये पता लग जाता है कि हमें किस पार्टी से किस तारीख को क्या लेना है या किस पार्टी को किस तारीख को क्या देना है। शॉर्ट में ये रिपोर्ट हमें अपनी लेनदारी और देनदारी के बारे में डिटेल में बताती है। इसकी ज्यादा डिटेल्स हम आगे काम करते समय समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक परचेस का और एक सेल्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1 जून को हमने साई सेल से सोनी टीवी 20 इंचेस का एक नग 21,000 के भाव से उधार खरीदा। इस ट्रांजैक्शन का बिल नंबर है 51। इसका पेमेंट हमें 15 दिन बाद करना है। आइए इसका परचेज वाउचर बना लेते हैं। इसी तरह हमने 1 जून को ही भारत एंटरप्राइजेस को सोनी टीवी 20 इंचेस एक नग 25,000 के भाव से 10 दिन की उधारी पर बेचा। आइए अब इसका सेल्स वाउचर बना लेते हैं। अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। गेटवे ऑफ टेली पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए डी प्रेस करें। अब स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के लिए एस प्रेस करें। अब आउटस्टैंडिंग्स के लिए ओ प्रेस करें। ये देखिए आउटस्टैंडिंग की विंडो आ रही है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिसीवेबल्स की। यदि हम अपनी पूरी लेनदारी की जानकारी चाहते हैं तो इस ऑप्शन से देख सकते हैं। हम इसका शॉर्टकट R प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए बिल्स रिसीवेबल की स्क्रीन आ रही है, जिसमें हमें किस तारीख का, किस रेफरेंस नंबर यानी बिल नंबर का, किस पार्टी से कितना पेंडिंग अमाउंट किस तारीख को आना था और वो ड्यू डेट के बाद कितने दिन ओवरड्यू हो चुका है, यानी हमने उसे उधार देते समय पेमेंट देने के लिए जो अवधि दी थी उससे कितने दिन ऊपर हो चुके हैं, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। अब बात करते हैं उस सेल्स बिल की जो हमने अभी बनाया था। इस रिपोर्ट में सिर्फ ओवरड्यू ही नहीं मालूम पड़ते बल्कि पहले से ही ये भी मालूम पड़ जाता है कि हमें भविष्य में किस तारीख को किस पार्टी से कितना पेमेंट प्राप्त होना है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हमने 1 जून को जो माल बेचा है उसका पेमेंट हमें 11 जून को प्राप्त होना है। यदि हम पहले से ही सतर्क रहे तो सही समय पर पार्टी से पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में सबसे नीचे हमारी कुल कितनी लेनदारी है यह भी दिखाई पड़ रहा है। अभी आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये बिल वाइज रिपोर्ट है। इसमें हमें बिल की तारीख के क्रम में रिपोर्ट दिखाई पड़ रही है। यदि आप लेजर वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F8 प्रेस करें। ये देखिए अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें प्रत्येक पार्टी में जितने भी बिल का अमाउंट पेंडिंग होगा वो एक जगह पर दिखाई पड़ेगा। साथ ही ये भी मालूम पड़ रहा है कि हमें उस पार्टी से कुल कितना लेना है। वापस बिल वाइज रिपोर्ट के लिए F8 प्रेस करें। रिसीवेबल रिपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हमें जिन लोगों से रुपया लेना है
उन पर हम रिकवरी यानी वसूली के लिए दबाव बना सकते हैं। अब देखते हैं पेबल्स के बारे में, उसके लिए यहाँ पर पी प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए बिल्स पेबल की स्क्रीन आ रही है। इसमें हमें बिल्स रिसीवेबल की तरह ही जिन पार्टीज को पेमेंट देना है उनकी पूरी डिटेल्स, जैसे हमने जिस तारीख में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है वो तारीख, उसका रेफरेंस नंबर, पार्टी का नाम, पार्टी का पेंडिंग अमाउंट, पेमेंट किस तारीख को देना था, और यदि वो तारीख निकल गई है तो कितने दिन ऊपर हो गए हैं, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं अभी हमने जो परचेज वाउचर बनाया था उसके बारे में। ये देखिए यहाँ हमें पहले से ही मालूम पड़ रहा है कि हमें इस बिल का पेमेंट 16 जून को करना है। इस रिपोर्ट में सबसे नीचे हमारी कुल देनदारी कितनी है ये भी दिखाई पड़ रहा है। ध्यान रखें, यदि आप इस रिपोर्ट को देखकर अपने सप्लायर्स को सही समय पर पेमेंट करेंगे तो आपको वापस उन पार्टियों से माल खरीदने में आसानी होगी और आप अपने बिजनेस की गुडविल यानी साख को बनाए रख सकेंगे। यहाँ हम आपको एक बात और समझाना चाहते हैं कि आउटस्टैंडिंग की रिसीवेबल रिपोर्ट केवल कस्टमर्स की नहीं होती और ना ही आउटस्टैंडिंग की पेबल रिपोर्ट केवल सप्लायर्स की होती है, बल्कि रिसीवेबल रिपोर्ट हमारी लेनदारी की होती है और पेबल रिपोर्ट हमारी देनदारी की होती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। 2 जून 2021 को हमारे पास एक नया ग्राहक ओके ट्रेडर्स आया और उसने कहा, मुझे सोनी टीवी 20 इंचेस वाला एक नग चाहिए, अभी मैं आपको 5,000 एडवांस दे देता हूँ, आप टीवी भेज दें, बाकी के 20,000 में 4 दिन बाद दे दूंगा। अब हम इसका एक रिसीव वाउचर बना लेते हैं। ये देखिए इस पेबल रिपोर्ट में पहले हम जो नाम देख रहे हैं वे सभी सप्लायर्स के थे और अब इसी रिपोर्ट में हमें कस्टमर से जो एडवांस प्राप्त हुआ है वो भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब तक हम उसे माल नहीं दे देते ये हमारी लायबिलिटीज यानी देनदारी है और ये पेबल रिपोर्ट में दिखाई पड़ेगी, और जब हम उसे टीवी का उधार का बिल बना देंगे तो उसका बैलेंस अमाउंट हमें रिसीवेबल रिपोर्ट में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तब ये हमारी लेनदारी होगी। इसी तरह किसी सप्लायर को दिया गया एडवांस रिसीवेबल रिपोर्ट में दिखाई पड़ता है और जब सप्लायर एडवांस को एडजस्ट करके हमें उधार माल दे देता है तो वो पेबल रिपोर्ट में दिखाई पड़ता है। अभी हमने रिसीवेबल रिपोर्ट और पेबल रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। इनके बारे में हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में ये रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट से ही हम अपने कस्टमर से सही समय पर पैसा वसूल कर पाते हैं और जब हमारे पास सही समय पर पैसा आएगा तभी हम अपने सप्लायर्स को समय पर पैसा दे सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऑल्टर और F5 प्रेस करें। ये देखिए डिटेल्ड रिपोर्ट आ रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस रिपोर्ट में ओवरड्यू बाय डेज वाला ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसके लिए F12 प्रेस करके शो ओवरड्यू डेज / बिल एज इन डेज ऑप्शन को यस करना होता है। ऐसा करते ही ओवरड्यू बाय डेज वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ हम ओवरड्यू बाय डेज देख रहे हैं, इसमें हमें जिस तारीख को उधारी का पेमेंट करना था उससे हम कितने दिन लेट हो चुके हैं ये दिखाई पड़ रहा है। पर इसकी जगह यदि आप ये देखना चाहते हैं कि जिस तारीख का ये बिल था उससे कितने दिन ऊपर हो चुके हैं तो F12 प्रेस करके यहाँ पर शो ओवरड्यू डेज फ्रॉम बिल डेट को यस कर दें। ये देखिए ओवरड्यू बाय डेज की जगह पर एज ऑफ बिल इन डेज आ रहा है। आपको समझने में आसानी हो उसके लिए हम दोनों रिपोर्ट्स एक साथ दिखा रहे हैं।
इसी तरह यदि आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन और करना चाहते हैं तो F12 प्रेस करके यहाँ से कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए एक एक करके ट्राई जरूर करें। चलिए अब जानते हैं आउटस्टैंडिंग में लेजर ऑप्शन के बारे में। इसके लिए L प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें सभी पार्टियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। अब आप जिस पार्टी की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस पार्टी के नाम पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए यहाँ पर हमारे द्वारा सेलेक्ट की गई पार्टी की पूरी डिटेल, जैसे वाउचर की डेट, रेफरेंस नंबर, ओपनिंग अमाउंट जिसमें हमें बिल का अमाउंट दिखाई पड़ रहा है, पेंडिंग अमाउंट यानी जो अभी हमें उस बिल का देना या लेना बाकी होगा वो दिखाई पड़ेगा। उसके बाद ड्यू ऑन में वो तारीख दिखाई देती है जिस दिन हमें पैसा देना या लेना होता है। और आखिर में ओवर ड्यू बाय डेज में यदि पेमेंट देने या लेने की कोई अवधि निश्चित थी तो उससे कितने दिन ऊपर हो चुके हैं ये दिखाई पड़ेगा। आइए अब आउटस्टैंडिंग के आखिरी ऑप्शन ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। उसके लिए जी प्रेस करेंगे। अब यहां से आप जिस ग्रुप की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसके नाम पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए इस ग्रुप की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आ रही है। इसमें यानी सिलेक्ट किए गए ग्रुप में जो भी लेजर बने होंगे उनसे जो भी लेना या देना होगा वो दिखाई पड़ेगा। इसमें से आप किसी भी पार्टी को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। अभी हमने जिन भी रिपोर्ट्स के बारे में समझा, यदि आप टैली में कुछ काम कर रहे हैं और उस बीच ये रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो उन्हें गो टू पर जाकर दो तरीकों से देख सकते हैं। हम गो टू पर माउस से क्लिक कर रहे हैं। देखिए कॉमन रिपोर्ट में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल दिखाई पड़ रहा है। ये तो हुआ पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। उसके लिए हम सर्च बार में टाइप कर रहे हैं R। ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स में रिसीवेबल और पेएबल रिपोर्ट्स के अंतर्गत वो सभी नाम दिखाई पड़ रहे हैं जिनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको व्यवसाय की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको इसी विषय से संबंधित एजिंग एनालिसिस यानी एजिंग मेथड्स के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।